अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किचन फूडीज। तो जनाब, आज मैं आपके साथ दही जमाने की रेसिपी शेयर करूंगी। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप किस तरह से दही जमाती हैं, वो तरीका ज़रूर शेयर करें। मैंने दही बड़े बनाए थे, बेसन के दही बड़े, और जो हैदराबादी दही बड़े आपको सिखाए हैं उसमें मैंने जो दही जमाई थी घर में खुद ही जमाई थी, और उसकी आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो आज हाजिर है जी वो रेसिपी। तो जनाब, इसके लिए सबसे पहले ले लेना है मिट्टी का बर्तन, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 गिलास दूध। उबला हुआ दूध है ये और नीम गर्म है। हमेशा ख्याल रखना है, जब भी आपने दही जमानी है थोड़ा सा गर्म दूध लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो दूध, नीम गर्म दूध हो। उसके अंदर मैंने पहले से जो घर में मौजूद दही पड़ी थी ना, उसमें से 1 टीस्पून इसके अंदर दही डाल दी है। इसको मिक्स किया है और हमने इसको 6 से 8 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है। अच्छा जनाब, इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था 8 घंटे के लिए, और 8 घंटे में देखें ज़बरदस्त सी बेहतरीन हमारी दही रेडी हो गई है। बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी ये, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और हाइजीनिक कंडीशंस में बनी है फुल। और दूसरी बात ये कि आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी मोटी सी लेयर आई है मलाई की। और आप इसको चाहें तो मिट्टी के बर्तन में नहीं जमाना चाहते, ये आपके पास नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में जमा सकते हैं। और अक्सर मैं ये करती हूँ कि जब मुझे ज़्यादा दही चाहिए होता है तो फिर मैं इसको स्टील के बर्तन में जमाती हूँ। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त दही हमारी रेडी हो गई है। अब इसको आप खा भी सकते हैं, लस्सी भी बना सकते हैं और सालन में भी डाल सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको खा सकते हैं। घर में जब हम कढ़ी बनाते हैं तो फिर मैं उसके लिए बहुत सारी दही जमाती हूँ स्टील के बर्तन में, उसमें भी बहुत अच्छी दही जमती है। तो आप इसके लिए परेशान नहीं होइएगा कि लास्ट में मिट्टी का बर्तन चाहिए, तो नहीं जनाब, आप स्टील के बर्तन में, सिल्वर के बर्तन में भी अच्छे से दही जमा सकते हैं। तो इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह।